शायद भूल गए, लेकिन जन जन्मांतर का संबंध है उनका एफएसएल से। एक जमाने में जब 40 रुपए का था तभी भी रेकमेंड किया था। और रानी जी आप देखिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, मिड कैप आईटी फेवर में है और इस चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं, जिसके बहुत अग्रेसिव टारगेट है। तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रख ले 144 रुपए पर, 144 के स्टॉप लॉस से इसको खरीदे। पहला टारगेट होगा 155 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 160 रुपए का। तो 155 160 के टारगेट के लिए एफएसएल में खरीदारी की राय है।